मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत आभारी हूँगा अगर मेरे नाम से डॉक्टर निकालते हैं, इसलिए कि मैं डॉक्टर से कहीं ज़्यादा पेशेंट हूँ। ये एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने मुझे डॉक्टरेट दे दी है, मगर उनको बहुत सीरियसली लेके अपने नाम में नहीं लगा लेना चाहिए। तो मुझे सिर्फ जावेद अख्तर कहिए। यहाँ इतने बड़े बड़े नेता विराजते हैं कि सबका नाम लेना तो शायद इतना समय गुजर गया है पॉसिबल नहीं है, लेकिन शरद पवार जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, थोराट साहब, हमारे प्रफुल्ल भाई, अजीत पवार साहब और बाकी लोग जितने माननीय लीडर बैठे हैं, सबको मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। और बहुत मैं शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि मुझे यहाँ शरद पवार अपना छगन भुजबल साहब ने बुलाया। मैं जब यहाँ बैठा हुआ था तो एक बात मेरे ध्यान में आई और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कम से कम अभी तक तो है, लेकिन जब हम निकलते हैं इस देश से और मेडिटेरियन कोस्ट तक चले जाते हैं तो हमको जनतंत्र नहीं मिलता। ऐसा क्या गुण है हम में, ऐसे क्या हीरे टके हैं कि हमने जनतंत्र को रखा और उसकी जड़ें हमारी धरती में इतनी गहरी उतर गई हैं कि आज उखाड़ने वाले उखाड़ नहीं पा रहे हैं। क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हम हजारों साल से जनतंत्र के लिए तैयार हो रहे थे, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। ये विचारधारा, ये संस्कृति ये कहती है देश की कि चार बातें मेरी ठीक हैं, हो सकता है चार बातें इनकी भी ठीक हों, चार शायद ये भी ठीक कह रहे हो, कुछ बात मैं इनकी मान नहीं रहा हूं, लेकिन हो इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका भी एक विचारधारा है। ये इस देश की परंपरा रही है और इसी बात से डेमोक्रेसी दुनिया में जिंदा रहती है कि ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही ठीक है और जो बाकी कह रहे हैं सब गलत है। मैं ही हूं एक नेशनलिस्ट, बाकी सब एंटीनेशनल है। ये इस देश की विचारधारा और संस्कृति नहीं रही कभी, इसलिए हमारे पास डेमोक्रेसी है। और जहां जहां यह हुआ है और जहां जहां यह विचारधारा है कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है और जो हम नहीं कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो सही हो ही नहीं सकता, तो वहां जनतंत्र कैसे होगा? हिंदुस्तान की सोच हजारों साल से अलग रही है। आज आप इस स्टेज को गौर से देखिए, यहाँ चार पांच पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं। क्यों साथ बैठे हैं, कैसे साथ बैठे हैं? जाहिर है कि अलग अलग पार्टी तो कहीं कुछ विचारधारा भी अलग होगी, लेकिन इनमें वही नम्रता है, इनमें वही ट्रेडिशनल हमारी संस्कृति की समझदारी है कि कुछ हम ठीक कह रहे हैं, कुछ ये भी ठीक कह रहे हैं। और इस विचारधारा ही को हिंदुस्तान कहते हैं। इस मंच पे हिंदुस्तान बैठा है, मैं आभारी हूं कि मुझे यहां बुलाया गया है। लेकिन आज आप देखते हैं कि यह भी कोशिश है कि ये जो रंगारंगी है, ये जो विभिन्नता में एकता है, इसे खत्म किया जाए, इसे मिटाया जाए। हमें वैसा बनाने की कोशिश है जैसे हमारे पास पड़ोस में लोग हैं। मुझे तो नहीं बनना वैसा। ये अभी हम लोग बात करते ना, ये इलेक्शन है और वो इलेक्शन, नहीं 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 नहीं, ये मामूली चीज है, इलेक्शन आते जाते रहते हैं। सवाल ये है कि मुझे और आपको, हम सबको सोचना ये है कि अब जाना किधर है इस देश को? उधर जहां की हमें हजारों साल की परंपरा बुला रही है, या उधर जहां हम ठीक है बाकी सब गलत है? ये फैसला आपको करना है, मुझे करना है। मैं सबसे पहले तो बता ही दूंगा छगन भुजबल साहब को उनकी 75वीं सालगिरह पे, और मैं काफ़ी इनसिक्योर हो रहा हूँ उन्हें देख के कि 75 साल की उम्र में इतने फिट दिखाई दे रहे हैं। मुझे भी अब कुछ योगा सीरियसली शुरू करना पड़ेगा। इनसे मेरी मुलाकात जब पहली बार हुई, वो किस्सा मैं आपको सुनाना बहुत ज़रूरी है। एक दिन, काफ़ी बरस पहले की बात है,
मैंने एक अखबार में एक न्यूज़ देखी, उस ज़माने में नई नई तस्लीमा नसरीन जिसने लज्जा लिखी थी बांग्लादेश में, वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी पे जो अत्याचार हो रहे थे उसके बारे में उसने एक नावल लिखी थी लज्जा, और जिसकी वजह से वहाँ की जमात इस्लामी उनके खिलाफ हो गई थी और उसका खून करने के दर पे थे, तो वो हिंदुस्तान आ गई, कलकत्ता में थी। तो मैंने इस बारे में छोटी सी न्यूज़ पढ़ी कि तस्लीमा नसरीन मुंबई आ रही है और एक सर्टन ग्रुप है मुंबई में ही, एक सर्टन पार्टी है जिसने कहा कि अगर उसने मुंबई में पैर रखा तो हम उसे जिंदा जला देंगे। मैंने कहा ये बात तो बड़ी गलत है कि हम ये सुन लें और चुप रहें। मैंने अपने एक दोस्त को कलकत्ता फ़ोन किया, पूछा कि मुझे किसी तरह से तस्लीम, मैं तो मिला नहीं था उससे, तस्लीमा नसरीन का फ़ोन नंबर मिल सकता है? मुझे मिला, मैंने तस्लीमा नसरीन को फ़ोन किया, मैंने अपना परिचय दिया, तो उसने कहा मैं आपका नाम सुना है, जानती हूँ आपको। तो मैंने कहा आप मुंबई कब आ रही हैं? कहीं मैं मुंबई आई नहीं रही। मैंने कहा आप नहीं आ रही होंगी लेकिन अब तो आना पड़ेगा, इसलिए कि अब आप नहीं आई तो इस ग्रुप को लगेगा कि इसकी वजह से आप नहीं आई हैं, तो आप मुंबई आइए। तो अच्छा, कहने मैं आ जाऊंगी आप ऐसा कहते हैं तो। शाम को मुझे बुद्धूदेव भट्टाचार्य साहब जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वहाँ, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई तुम उसे बुला रहे हो, उसकी सुरक्षा कैसे होगी वहाँ? मैंने कहा वो हो जाएगी, आप इसकी चिंता ना कीजिए। मैंने ये फ़ोन रखा और छगन भुजबल साहब होम मिनिस्टर थे, उन्हें फ़ोन किया, मैं सर इस लड़की को हमें बुलाना है मुंबई में और मुंबई के किसी छुपे हुए कोने में जलसा नहीं करना है, हम वहाँ करेंगे जहाँ जिस एरिया को सेंसिटिव कहा जाता है और हम बोलेंगे वहाँ खड़े। छगन भुजबल साहब ने कहा कि आपका जनतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है, आप उन्हें बुलाइए, हम आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, हम लोगों ने एयरपोर्ट में रिसीव किया उसे, उसका जलसा हमने किया सेंट्रल बॉम्बे में, और छगन भुजबल साहब का मैं आभारी हूँ कि कोई तकलीफ नहीं होने पाई। ये हमारी रिलेशनशिप की बिगनिंग थी और ये एहसान जो है उनका मैं भूल नहीं सकता हूँ, इसलिए कि ये पॉइंट जो है, जब फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस, जब राइटिस्ट फोर्सेस, जब सांप्रदायिक ताकतें अपना सर उठाती हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन एक नागरिक का राजनीतिक लोगों से भी ज़्यादा बड़ा फर्ज है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और कहे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे तुम्हारा जो भारत तुम बता रहे हो वो नहीं चाहिए, मुझे अपना वही भारत चाहिए जो हजारों साल से था। मैं बहुत बोलने वाले हैं, मैं आप लोग का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह मैं इस स्टेज पे हज़ारों बार बैठा हूँ और जब यहाँ बैठते हैं तो ऑडियंस की तरफ देखते हैं, मैंने तो इतना भरा हुआ ये ऑडिटोरियम कभी देखा नहीं था, और इससे मालूम होता है कि आपके दिल पे कितना बड़ा कब्ज़ा जमाए हुए हैं। छगन भुजबल साहब, तो सालगिरह की, जन्मदिन की भी बधाई और इस ताकत की भी बधाई जो दिखाई दे रही है। थैंक यू।